पुराने कपड़े हैं उनमें से कोई दे दो। हाँ। लेके आओ उनको अंदर। तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। तेरा नाम क्या है? बांडिया। क्या? डांडिया? बांडिया बांडिया। अच्छा डांडिया। डांडिया देख। हा? पहले तू जूता पॉलिश करना सीख। नटवर, इस घर के सारे जूते लाके इसको दे दो। चल मोची। इतने सारे जूते अगर मैं फुटपाथ पे पॉलिश करता तो इतनी कमाई होती कि एक हफ्ते के अंदर मैं एक नाव खरीद लेता। ये लो। ये थोड़े से और पुराने जूते हैं, इन पर हाथ साफ करके अच्छे से पॉलिश करना सीखो, और नए भी देंगे। और कुछ जूते पैरों के साथ चलकर बाहर गए हैं, जैसे वापस आ जाएंगे वो भी देंगे। अरे गाजपाठा, तू का कलेक्टर बनने वाला जो थाला बैठा बैठा पढ़ाई करे, कुछ काम कर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिसको जो काम दिया उसको खुद ही करना पड़ेगा, और वो भी दिए हुए वक्त पर, नहीं तो कुत्ते के पट्टे के साथ यहाँ पर पिटाई होती है। अच्छा ये मजाक, अब तो वक्त के अंदर काम करके दिखाता हूँ। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? एक और काम, ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं, जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे। तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। पहले खसखस, तू खसखस के मर जाएगा। धोबी घाट किधर है? मुझे एक बात बताओ, यहाँ के लोगों ने पिछले 2 साल से कपड़े नहीं धोए क्या? ए, फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। हाँ हाँ, लाने दो लाने दो लाने दो, पूरे घर के कपड़े लाने दो, और पड़ोसों से भी पूछ लो, उनके कपड़े उनको भी लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। लहंगा है कि सर्कस का तंबू? ये नौटंकी। ए नटवर, एक बात बताओ, इस घर में कितने परिवार रहते हैं? 15-16 परिवार। हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? काम कर, नहीं तो तुझे रस्सी में सुखा दूंगा। ये कुर्ता किस राक्षस का है? ये कुर्ता हमारे बड़े साहब का है। मतलब इन राक्षसों में से और भी एक बड़ा राक्षस है? ए, नीची आवाज में बात कर, ये लोग तो कुछ भी नहीं है, असली साहब तो वो है, मंगल सिंह चौहान, गुजरात गए हैं, आने वाले हैं। हेलो हेलो, पेट नो खाड़ो पुरवा हेलो। क्या खाड़ो? मैं खाड़ो नहीं छोड़ूंगा, नथी, थोड़ी बहुत गुजराती मुझे भी आती है। नहीं जम्मू, नहीं जम्मू, नहीं नथी, ना जम्मू तो जा भाड़ में, तू जा भाड़ में। ए जाता जाता साले गड्ढा खोद जाके, साले गुजराती समझता नहीं, मेहनत पड़ेगी तब मजा आएगा। यार कपड़े धो धो, मेरी हालत खराब हो रही, ऊपर से कह रहे गड्ढा खोदो, मैं कोई बंधुआ मजदूर हूँ। अरे पेट में खाड़ो पुरवा का मतलब मालूम है क्या है? वो खाना खाने के लिए बुला रहा था। क्या? ज्यादा भी काम कर। क्या खाना? हाँ, चोली की सब्जी है, चपाती है, और मिठाई में घूघरा है। खाने में चोली सब्जी और क्या? चपाती। चपाती और मिठाई में क्या था? वो क्या बोलते हैं गुजराती में, घूंघरा है, घाघरा, घूंघरा घूंघरा घूंघरा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता, इस घर का असूल है कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो दोबारा उसको खाना नहीं मिलता। अरे ये भगवान, क्या जुलुम है, सारा काम करूं मैं, खाए वो, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, एक बार सबका खाना हो जाए। हाँ। कुछ खाना बचेगा तो मैं उनसे कह दूंगा, वो तुमको बुला लेंगे। ए, कुछ करो ना, कुछ करो ना, उठ जाके कपड़ा दो, पैंट गीली करना मेरी। ए, क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? अचानक मुझे मेरा मालिक याद आ गया, इसलिए होश खो बैठा। अबे गोंचू, ये तेरा मालिक नहीं है, ये बड़े साहब की इकलौती बहन के कपड़े हैं, जरा से भी फट गए ना तो बड़े साहब तुझे फाड़ डालेंगे। हाँ हाँ
शू काम छे? मुझे गुजराती नहीं आती, इसलिए जब उन्होंने खाने के लिए बुलाया तो मैं गया नहीं। मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? शू? शू? हाँ, शू तो मैंने कप के पॉलिश कर लिए और कपड़े भी धो डाले। अब मुझे क्या, वो क्या 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 बोला था उस नौटंकी ने? घाघरो चोली मिल सकता है क्या? शू? घाघरो ने चोली? हाँ, घाघरो चोली, घाघरो चोली। कोनो घाघरो चोली? आप दो ना, आप दो ना। अलिया लाज वगर ना, तने आ घाघरो चोली जो ये छे? जो ये छे, जो ये छे, जो ये छे। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपने आप ले लेता हूँ। या आप दो, मामा काका जल्दी आओ, जल्दी आओ, पापा जल्दी आओ। आप दो, 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 आप तुमने जरूर कोई गड़बड़ की होगी, तभी तुम्हारी ये हालत बनी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो वो लोग तुझे मार मर के दाल ढोकली बनाते भी थे और शाम को खा भी लेते थे। चल बैठ। हाँ। ये किस तरह के लोग, सुबह से शाम तक काम काम काम, खाना हराम। अच्छा, ये प्राणी यहाँ बैठा है। अरे तुम्हें समाचार मिले? रसोई घर में उन लोगों ने हमें बर्तन की तरह धोया। ओ तो मारा? वहाँ भी मारा। जनाब आवाज़ है? रोता क्यों आप, कहीं मां जाना? हाँ, यहाँ बैठ, बैठ, यही मिलेगा। मार? नहीं खाना। ये ले, प्लेट ले, दो। नाराज। ये किस जानवर की चमड़ी? नहीं चपाती है। तो इसे सूखा कैसे खाऊं? इसके साथ कुछ तो चाहिए। अचार मिलेगा? अचार जोइए छे? हाँ जोइए छे। आले चार? एक, बे, तीन, चार। ये क्या है? छः, पांच, छः। हाथ धोए क्या? 24 घंटे से कपड़े धो रहा हूँ, वो भी साबुन से। अब ये हाथ में धोऊं इस खाने के लिए? गंदा साला। आरी मिलेगी काटने के लिए? शुक्र करो बाकी दिनों के हिसाब से आज चपाती नरम है। तो यही है वो तो नए नमूने जो काम के लिए आए हैं? लड़के अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं। यहाँ खाने में इतने ही देते हैं क्या? अच्छा, तो तुम्हें फाइव स्टार होटल से खाना ला के दे, जल्दी खाओ और काम पर चलो। नहीं 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 नहीं, मुझे इतना मजबूत और टिकाऊ खाना खाने की आदत नहीं है। अरे इसे देखो कैसे चुपचाप खाना खा रहा है। इसे तो कुछ भी दे दो चुपचाप खाएगा और कुछ भी बोलोगे सुनेगा भी नहीं। क्यों, गूंगा बहरा है क्या? हाँ गूंगा बहरा है, लेकिन इसे इस बात का जरा भी घमंड नहीं है। लस्सी मांग रहा है, लस्सी। चाय मांग रहा है? हाँ चाय, चाय मांग रहा है। चाय जो भी ला रही हो दो लाना। ये यही है वो मेम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे? नहीं 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 नहीं, अब ये भी एक मेम साहब है, लेकिन इससे बड़ी एक और मेम साहब है इसके जैसी। क्यों, बहुत खाती है क्या? नहीं, बेचारी बोल नहीं सकती लेकिन सुन सकती है। श्रुति, चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अरे तुम एक मिनट चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक आदमी से मिलवाना चाहती हूँ। चलो चलो ना। ये देखो, ना वो बोल सकता है ना वो सुन सकता है, लेकिन देखने में लगता नहीं कि वो गूंगा या बहरा है। मालिक माफ कर दो, मैंने आपको देखा नहीं। अरे देखा नहीं तो तेरा निशाना बराबर आंख के नीचे कैसे लगा? नहीं 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 नहीं, मैं तो इसको मारा था। किसे? हाँ इसे, इस बेचारे गूंगे जीव को। खैर जरा
अब तुझे दिखाता हूँ मजा। रुको, ये पकड़ो पकड़ो, अब तुम इसे मारो। मारा है। सुनो, बिल्कुल यही लगना चाहिए। ये दूंगा मैं तेरा भाई हूँ साले। ये हो, मंगल मंगल मंगल। अरे आप लोगों को मंगल के सिवा कुछ दिखता है कि नहीं? मंगल आपका बड़ा भाई नहीं है, वो आपके बड़े भाई का लड़का है। अरे मैं मानता हूँ मेरे बड़े भाई का लड़का है, लेकिन मेरे लिए तो वो बड़े भाई से भी बढ़कर है। जो वो कहेगा वो इस घर का कानून होगा और सबको मानना पड़ेगा, तुमको भी। बंद करो, ये खेलने की जगह। क्यों, क्या हुआ? टांगे टूट गई तो? तो हम लोग प्लास्टर करवा लेंगे। तेरी टांग का प्लास्टर हो सकता है, मंडप की टांग का प्लास्टर नहीं हो सकता ना। ये सारी चीजें मेरी है, मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ, समझा कि नहीं? ए, चल फुट। ए, क्या फुट? संभाल कर काट, झाड़ काटने को बोला था, ये क्या कर रहा है? सामने खड़े रहोगे तो लग जाएगा, हट जा। क्या हुआ? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या हो रहा है यहाँ? तुमको चाहिए क्या है? अरे इसे मैंने बांधा है तो मैं ही ले जाऊंगा। अरे इसको तो छोड़, इसको मैंने बांधा है। अरे मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं और इस घर के सभी लोग जानते हैं कि शादी होते ही मैं ले जाता हूँ। ए बाबू, क्या हुआ? ओ साहब, वो मैं कह रहा था कि टाई लंबी कर दी है। क्या बांधा था इसने? शादी के लिए बांधा था। किसकी शादी? श्रुति मैम साहब की। अच्छा, तो ये है श्रुति का पति? क्या बकवास कर रहा तू, मरवाएगा क्या? अरे वो चिल्ला चिल्ला नहीं कह रहा था मैंने बांधा है, मैंने बांधा है। बांधे का मतलब शादी का मंडप बांधा उसने, कोई मंगलसूत्र नहीं। क्या, ये मंडप है? मैंने तो सोचा घर है। तुम्हारे गांव में ऐसे घर होते हैं? साला डोंकी, ये घर नहीं महल है। बड़े साहब का हुक्म था कि इस घर को आलिशान महल की तरह सजा दो। श्रुति मैम साहब की शादी है ना? शादी कब है? तारीख तो कब की निकल गई, जिस दिन शादी थी ना उसी दिन शादी टूट गई। शादी के ही दिन शादी टूट जाना कितने दुख की बात है। इसी मंडप में शादी टूटी थी और इसी मंडप में शादी होगी, ये कसम खाई थी मंगल ने इसी मंडप में। मेरे इजाजत के बगैर वो कौन होता है कसम लेने वाला मेरे मंडप में? अबे कसम क्या, तेरे से पूछ कर लेगा वो। ज्यादा बड़बड़ मत कर, भाड़ा तो तुझे मिल रहा है ना। देखो सेठ जी, फसाओ मत मुझे। पहले ही दो तीन शादी और एक मंदिर का त्योहार, इन सब का एडवांस ले चुका हूँ। ये मंडप खोलकर मुझे उधर लगाना है। अगर तूने इस मंडप को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। मजाक कर रहे हो या सच बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ। तो फिर ठीक है, बाकी ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, और हाँ, अगर उस लड़की की शादी कभी नहीं हुई तो भगवान के लिए ये मत कहना कि इस मंडप को उसकी शादी के स्मारक के तौर पे छोड़ दो। अरे जब मंगल भैया ने कसम खाई तो घर के हर आदमी ने कसम खा ली कि जब तक श्रुति मैम साहब की शादी नहीं होगी तब तक घर में कोई दूसरा आदमी शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो अच्छा हुआ, नहीं तो शादी कपड़े धोते धोते मैं शादी के लायक नहीं रहता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये शादी किसी भी हालत में होनी चाहिए, नहीं तो मेरी शादी कब होगी? तुम्हारी उम्र के हिसाब से इस घर में एक ही तुम्हारे लायक औरत है, वो मुच्छड़ की बीवी। लेकिन उसके लिए तुम्हें उस मुच्छड़ को रास्ते से हटाना पड़ेगा। ए, बकवास बंद कर रहा। मेरी तो वो रूपा। रूपा? ए, रूपा क्या? बनियान से शादी करेगा तू? अबे चुप, वो बनियान नहीं है, वो तो घाघरा चोली है जो रसोई घर में चप। अरे जिसने तेरी पिटाई की थी। क्या मारा? टेटर बंद कर, मेरा ड्रिंक बना। ये चिल्ला में बना रहा हूँ, बात मत कर। लगता है मुझे आज बहुत चढ़ गई है, इसीलिए मुझे अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई दे रही है। अरे छोटा चेतन, या तो तू पी या तो फिर तू सो जा। मैं सो जाता हूँ। दबा रहे थे।
क्या हल्ला हो रहा है? चुप कर कुत्ते, सो जा। ए, ए, साला इधर कोई है नहीं। अच्छा तो तुम बोल नहीं सकते लेकिन गा सकते हो। बस बस ये बताओ ये नाटक क्यों किया तुमने? ठीक है तुम्हारा मुंह खुलवाने का रास्ता है हमारे पास, चलो। मेम साहब ये कहाँ गायब हो गया? मैं यहाँ हूँ। हाँ? आपके चरणों में। वो क्या है कि मैं कभी कभी बोल भी सकता हूँ और कभी कभी सुन भी सकता हूँ। मैं थोड़ा अलग तरीके का गूंगा हूँ। सच बताऊं मेरी एक किडनी नहीं है। तो गूंगा क्यों बनता है? तेरी किडनी क्या तेरे मुंह में है? नहीं नहीं वो डॉक्टर ने कहा था काम माम मत करना नहीं तो दिल का दौरा भी पड़ सकता है। तो चाचा ने कहा गूंगा मेरा बन जा, इससे तुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा और लोगों का दिलासा भी मिलेगा। प्लीज प्लीज जब तक मेरे चाचा पैसा लेके नहीं आते मुझे यही रहने दीजिए। एक किडनी वाले का दर्द आप लोग कैसे समझेंगे? मुझे और लाइए मत प्लीज। अगर इसके बारे में किसी को भी पता चला ना तो मैं इस घर में रहने वाले एक एक गुजराती का पानी पीना बंद करवा दूंगा। क्या वो कैसे? मैं जहर खा के इस कुएं में कूद के अपनी जान दे दूंगा। ठीक है ठीक है, इस बार तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं लेकिन इस घर में अगर तुम्हारी असलियत किसी को पता चली ना तो अपनी दूसरी किडनी भी खो बैठोगे, समझे? चलो जाओ। ओके। क्या? कल रात मेरे को एक सपना आया। कैसा सपना? सपने में मैंने देखा कि हम तीनों बैठकर दारू पी रहे थे और ये गूंगा बोला। चुप कर बे कुत्ते। यही बोला था ना इसने। तेरे को कैसे मालूम मेरे सपने में ये क्या बोल रहा था? अरे तुमने बोला ना हम सपने में तीनों बैठे दारू पी रहे थे तो मैं भी सुनूंगा ना, मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ। हाँ मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ। लेकिन एक बार तेरे सपने में समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। ये देखो श्रुति दिक्री की शादी तय हो गई। मंगल ने ये फैक्स भेजा है। श्रुति मैम जब आपकी शादी पक्की हो गई। ऐसे नहीं, हम लोग मिठाई लेकर जाएंगे फिर उसे बताएंगे। चलो चलो चलो, चलो। श्रुति दिक्री दिख रहा, तुम्हें इसमें से जो पसंद हो ले लो। तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। पूछ रही है दहेज में उन्होंने हमारी कितनी जायदाद मांगी है। तुम उसकी चिंता मत करो दिकरी, वो मंगल संभाल लेगा। लो मुंह मीठा करो। ले ले दिख रहा।
अहमदाबाद की दो कंपनियां और यहाँ की बहुत सारी जायदाद उन लोगों ने मांगी है, तो ये बात तो साफ है ना कि उन लोगों को श्रुति नहीं, श्रुति की दौलत चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? दहेज प्रथा तो बरसों से चली आ रही है, कोई आज की बात थोड़ी है। एक बार जायदाद उनके हाथ लग गई तो वो उन पर एक बोझ बनकर रह जाएगी, और श्रुति किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तो क्या इस वजह से श्रुति मेम साहब को हम पूरी जिंदगी घर में बिठा के रखे? मंगल एक तो विचारी ने लग्न नक्की करे आशे ने। बराबर, मंगल बिना सोचे विचारे कोई फैसला करेगा ही नहीं। वो बिचारा सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो जिया है। श्रुति, तारे तारा भाई की बात मानी लेवी जोइए। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे, ये सब उसे पसंद नहीं है। देखो, हम सब जानते हैं मंगल जो भी फैसला लेता है इस घर में वही होता है, तो हम सब की भलाई इसी में है कि हम उसकी बात मान लें। अरे श्रुति, अरे ये क्या, ये रोने का वक्त थोड़ी ना है। चलो चलो चलो, अभी तुम्हारी शादी हुई तो नहीं है ना, चलो उठो ना, उठो। मैं और तुम्हारे भैया से बात करूं? मेरी शामत आई है क्या? अरे कोई उनसे कुछ भी कहे लेकिन उनकी खोपड़ी में कुछ नहीं घुसने वाला है। सबको मालूम है तुम्हारे लिए उनका प्यार बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि वो पागल हो गए, पागल।